मंडला में कोरोना संक्रमण के फैलाव को देखते हुए ड्रग इंस्पेक्टर शरद कुमार जैन के द्वारा दवा दुकानों की जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार के निर्देश अनुसार जिले में मेडिकल स्टोर्स में सर्दी खांसी बुखार के मरीजों को बगैर डॉक्टर के चेकअप के बिना दवा दुकानों के द्वारा मरीजों को कहीं दवा तो नहीं दी जा रही है, जिसकी जांच ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा की गई। दवा दुकानों में सावधानी, साफ सफाई, दवा के रिकॉर्ड मेंटेनेंस हो रहे हैं या नहीं, इन सभी बातों पर भी ध्यान दिया जा रहा है, जिसके चलते ड्रग इंस्पेक्टर शरद कुमार जैन ने शहर में ओम मेडिकल स्टोर की जांच की। बताया गया कि आगे भी जिले भर की दवा दुकानों की जांच की जाती रहेगी। मैं अतिरिक्त प्रभार के रूप में देख रहा हूं, यहां पर लगातार जांच की जा रही है। जैसा कि आपको विदित है कि कोरोना का संक्रमण जो है तेजी से फैल रहा है, इस संदर्भ में मध्य प्रदेश शासन के जो निर्देश हुए हैं उसमें मेडिकल स्टोर जो भी सर्दी खांसी बुखार आदि की दवाइयाँ विक्रय कर रहे हैं उन सभी पेशेंट्स की जानकारी रजिस्टर में लिखते हुए इन्हें सारी के माध्यम से, सारी एक ऑनलाइन पोर्टल है MP ऑनलाइन का, जिसके माध्यम से इनको ड्रग इंस्पेक्टर विभाग तक पहुंचाना है और वो जानकारी जो है जिले के समस्त BMO और ब्लॉक ऑफिसर्स को फॉरवर्ड की जाती है और ऐसे सभी सर्दी खांसी बुखार वाले मरीजों को कॉन्टेक्ट करके कोरोना के लिए उनको जांच के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि ऐसे लोगों को ट्रेस कर सके, उनकी जांच की जा सके। इसी संदर्भ में मंडला के विभिन्न मेडिकल स्टोर्स की जांच की जा रही है और सर्दी खांसी बुखार और सांस लेने में तकलीफ वाले जो मरीज हैं उनको जो दवाइयां दी जा रही हैं उनके स्टॉक की जांच की जा रही है। इसी संदर्भ में मैं आज ओम मेडिकल स्टोर्स पर उपस्थित हुआ, जहाँ पर इनके द्वारा जो सर्दी खांसी बुखार में जो दवाइयाँ दी जाती हैं उसकी जांच की गई, तो इनके स्टॉक में कुछ गड़बड़ियां पाई गई हैं, जिस संदर्भ में रिपोर्ट बनाई जा रही है और आगे जो है अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी इसके अलावा जो कुछ अनियमितता है दुकान संचालन को लेकर, जो वो सब जांच की जा रही हैं, जो भी अनियमितताएँ पाई जा रही हैं, कहीं फार्मासिस्ट नहीं है, कहीं पर साफ सफाई नहीं है, यहाँ पर भी साफ सफाई का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो सब जाँच करते हुए उन पर कार्रवाई की जाएगी।